नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक डिड्रॉइड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने फोन को MIUI 10 में कैसे अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई फ़ोन होगा ओल्ड, ज़्यादा ओल्ड है, तो शायद उसके लिए MIUI 10 जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके लिए MIUI 9 का सिस्टम अवेलेबल ज़रूर होगा। वो सब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको मैं पूरा स्टेप्स में बताऊँगा कैसे जो है MIUI 9 या फिर 10 को कैसे इंस्टॉल करते हैं। वैसे लेनोवो के फोर नोट जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए MIUI 10 अवेलेबल है सिस्टम अपडेट फाइल। तो देखिए, यहाँ पे ये सब प्रोसेस करने के लिए आपको जो है एक अच्छा वाला डाटा केबल चाहिए, और आपके पास एक PC है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको जो है मैं पहले अपना सिस्टम वगैरह मैं दिखा देता हूँ, अपना इंटरफेस वगैरह मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे पास जो ये फ़ोन है, ये मार्शमेलो पे रन कर रहा है, Android 6.0। मुझे इसमें जो है MIUI 10 को इंस्टॉल करना है। देखिए, सबसे पहले अपने फ़ोन को जो है आपको बिल्ड नंबर जो आपके अबाउट सेक्शन में मिलता है उस पर 3-4 बार क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके एलाओ OEM आपको कर देनी है। और इसे करने के बाद आपको नीचे दूसरा स्टेप जो है फॉलो करना है। देखिए, USB डिबगिंग है, इसे आपको चालू कर देनी है। अब ये इससे जो होता है क्या, जो हम फ़ोन को डाटा केबल से कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन जो है परमिशन दे देता है, और ये वेरीफाई एप्स ओवर USB जो है इसे भी आपको चालू कर देनी है। इसके बाद देखिए, मैं अपने फ़ोन में डाटा केबल को लगा देता हूँ। तो अब अपने फ़ोन में डाटा केबल लगा के आपको छोड़ देनी है। अब ये जो हम प्रोसेस जो कर रहे हैं, ये हम अपने फ़ोन में रिकवरी को इंस्टॉल कर रहे हैं। किसी भी अदर मोबाइल का सिस्टम अगर जो हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हमारा फ़ोन जो है रूट होना ज़रूरी है, रिकवरी इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो देखिए, हमने जो यहाँ पर डाटा केबल लगा दिया, अब अगले स्टेप्स की ओर चलते हैं। फ़ोन में रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये 4 चीज़ें चाहिए: USB ड्राइवर, ADV फाइल, रिकवरी अपने मॉडल का, आप अपने मॉडल का रिकवरी या फिर USB ड्राइवर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रिकवरी का सब फाइल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जो मैं अपने फ़ोन में USB ड्राइवर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, अपने कंप्यूटर में USB ड्राइवर को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने उस पर क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आपके पास इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, तो वाई टिप के इंटर करनी है, फिर ये वाई करके फिर से इंटर कर देनी है। 2 बार देखिए YYN आता है, तो आपको वाई का मतलब यस होता है, तो आपको यस करते जानी है, फिर आपको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देनी है। और ये हमारा रिकवरी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें अपने फ़ोन में रिकवरी को फ्लैश करना है। उसके लिए देखिए, आपको ADV फाइल में जाना पड़ेगा, और देखिए मेरा जो रिकवरी फाइल है मैंने यहीं पे रखा है। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट बटन को दबाना है और माउस के ऑप्शन बटन को क्लिक करके ये पावर सेल को क्लिक कर देनी है। ये मेरा जो है आ चुका है पावर सेल, मतलब कमांड का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कमांड करनी है, ADV रिबूट बूट लोडर। आपका फ़ोन जो है स्विच ऑफ होके वो बूट लोडर में चला जाएगा। तो मैंने इंटर किया और मेरा फ़ोन जो है अभी देखिए मैं इंटर करता हूँ और मेरा फ़ोन जो है बूट लोडर में जा चुका है। तो अब बूट लोडर में जाने के बाद अब यहाँ पे दूसरा कमांड टाइप करनी है, फास्ट बूट रिबूट रिकवरी, और फिर रिकवरी का नाम। देखिए, वो ब्रैकेट जो मैंने लिखा है, ब्रैकेट आपको नहीं डालना है, बस वो फास्ट बूट रिबूट रिकवरी फिर रिकवरी का नाम। तो अब ये नाम जो है मैं लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, रिकवरी जो है 3.1 डैश जो भी है सब मैंने कॉपी कर दिया। और देखिए कमांड, फिर आपको कमांड पे जानी है, फिर Ctrl+V आपको दबानी है। Ctrl+V दबाने के बाद ये पेस्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको .img आपको टाइप कर देनी है, बस ये टाइप। अगर img नहीं टाइप करेंगे तो नहीं होगा, स्पेस नहीं होना चाहिए, बस आपको ये क्लिक करके इंटर कर देनी है।
और ये देख करने के बाद देखिए मेरा फोन जो है कंप्लीट यहाँ पे रिकवरी जो है ओके फिनिश सक्सेसफुल हो चुका है। ये बस 2 सेकेंड हो जाता है रिकवरी फ्लैश, यहाँ पे टाइम नहीं लगता है। अब बस जो है कि अपने फ़ोन को सही से पावर बटन प्लस में दोनों बटन को दबाना है। उसके बाद जैसे फर्स्ट वाइब्रेट होगा पावर बटन को छोड़ देनी है, दोनों बटन को दबाए रखनी है, उसके बाद आपका रिकवरी आ जाएगा 30 सेकेंड में। सैमसंग फ़ोन में रिकवरी इंस्टॉलेशन का अलग ट्रिक है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बात ये लगभग डिवाइस में काम कर जाएगा। अब चलिए MIUI को इंस्टॉल करने की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दें और ये घंटा बटन दबा दें। और देखिए ऊपर में शेयर का जो बटन है, आपको इस वीडियो को शेयर कर देनी है सभी यूजर के साथ, ताकि जो अदर फ़ोन यूज़ करते हैं और वो चाहते हैं कि MI का मजा लेना, तो उसे MI का फ़ोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर पाएंगे MI के सिस्टम को। नीचे देखिए कमेंट मैंने स्क्रॉल किया तो कमेंट मुझे मिला, आपको भी कमेंट मिल जाएगा, आपको कमेंट कर देनी है MIUI 10 अपडेटिंग ट्रिक। अब ये करने के बाद देखिए हम तो रिकवरी में आ ही चुके हैं, यहाँ पे इस तरह से रिकवरी में आप बूट कर लेंगे। और हाँ, इस प्रोसेस में आपका फ़ोन जो है एक बार फॉर्मेट होगा रिकवरी इंस्टॉलेशन के टाइम, तो अपना जो कॉन्टैक्ट फोटो है वो बैकअप कर लीजिएगा। और ध्यान रहे आपके फ़ोन का बैटरी जो है वो 50% के ऊपर हो। अब देखिए सबसे पहले आपको बैकअप कर लेनी है आपके सिस्टम को। देखिए तीसरे नंबर में जो था बैकअप, वो बैकअप का फ़ायदा अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक कर लीजिएगा। बैकअप और रिस्टोर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग है, पुराने वाले सिस्टम अगर आप जाना चाहेंगे तो वो आप जा पाएंगे। तो देखिए बैकअप कर लेने के बाद आपको वाइप पे क्लिक करके ये डॉल्विक सिस्टम कैश डाटा ये चारों चीज़ आपको टिक करके वाइप कर देनी है। इंटरनल को अब टिक करना ज़रूरी नहीं है, एक बार ही आपका इंटरनल डिलीट होगा रिकवरी इंस्टॉल करते टाइम। देखिए मेरा जो है ये कंप्लीट वाइप हो चुका है, और ये वाइप होने के बाद यहाँ पे मैंने इंटरनल को वाइप नहीं किया, मैंने ये देखिए इंस्टॉल है, मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, सिलेक्ट स्टोरेज है, अगर आपका डाउनलोडेड फाइल माइक्रो SD में या फिर पेन ड्राइव में है या OTG में है तो उसे क्लिक करनी है। वैसे मेरा इंटरनल में ही था, मैं सर्च कर लेता हूँ अपने MIUI 10 के अपडेट फाइल को, ये देखिए यहाँ पर है। वैसे ही आप अपने मॉडल के लिए जो है MIUI 10 को डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, काफ़ी इजी स्टेप है डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए इंस्टॉल करने के लिए ना वो जिप को क्लिक करके, सॉरी वो मुझसे गलती हो गया था, हाँ, फिर आपको क्लिक करके स्वाइप टू फ्लैश या फिर स्वाइप टू इंस्टॉल ये आपको कर देनी है। फिर देखिए आपके फ़ोन में ये इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाता है MIUI का सिस्टम। तो ये मैं आपको बता दूं, मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस में बनाते रहता हूँ, सिस्टम फ्लैशिंग अपडेटिंग वाली वीडियोस या फिर मोबाइल कस्टमाइजेशन वाली। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और देखिए मेरा ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है जीप। और ये इंस्टॉल हो जाने के बाद देखिए आपको रिबूट पे क्लिक करनी है, और रिबूट होने के बाद मैं रिबूट पे क्लिक कर देता हूँ। तो रिबूट पे क्लिक करने के बाद देखिए डू नॉट इंस्टॉल आएगा, तो इसे दोनों में से कोई कर देंगे तो हो जाएगा, तो मैं डू नॉट इंस्टॉल ही करता हूँ। देखिए मेरा फ़ोन बूट हो गया। अब बूट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ, ये फर्स्ट बूट है, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है फॉर्मेट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है उसे प्रिपेयर होने में, उसे क्योंकि सिस्टम जो है यहाँ पे नया हमने इंस्टॉल किया। तो फ़ोन को छोड़ देते हैं 5-6 मिनट के लिए, और ये देखिए उसके बाद जो है ये मेरा फ़ोन जो है कम्प्लीटली बूट हो चुका है MIUI 10 में। है तो ये लेनोवो का फ़ोन, लेकिन इसमें मैंने MIUI 10 को इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ पे देखिए आपको जो सारे सेटअप को स्किप करना पड़ता है, तो मैं स्किप कर लेता हूँ। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए थीम बहुत सारे अवेलेबल हैं, और ये तो आपको 5-6 थीम यहीं पे मिल जाता है, लेकिन हजारों थीम आपको मिल जाता है थीम सेंटर में, थीम सेंटर का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए पोको का भी लॉन्चर आया, मैं एक लॉन्चर सेलेक्ट कर देता हूँ, और ये मैंने फ़ोन को कंप्लीट सेटअप कर दिया, वो थोड़ा येलो कलर का था तो मैंने डिस्प्ले में कलर करेक्शन किया, उसके बाद देखिए मेरा येलो कलर जो है ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से जो है कि MIUI 10 जो कुछ दिखता है, यहाँ पे देखते हैं मेरे पास एक MI का स्पेशल फ़ोन है, उसमें मैंने MIUI 10 को इंस्टॉल किया, और ये अपने लेनोवो जो मेरे पास फ़ोन है उसमें भी मैंने MIUI 10 को इंस्टॉल कर दिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस करके MIUI 10 का लेनोवो के फ़ोन में। तो देख सकते हैं कितना इजी स्टेप है
और मैं आपको एक बात और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वो जो मैंने बताया था शुरू में बैकअप और रिस्टोर। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे MI को यूज नहीं करना है, अब मुझे पुराने वाले सिस्टम में जाना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, उसे देख के आप जो है पुराने वाले सिस्टम में भी जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अच्छी बात है कि ये जो है कंप्लीट MIUI 10 में अपडेट हो चुका है, स्पेक्स वगैरह सब जो है रैम सब कुछ यहाँ पे बता रहा है आपको, तो परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और MI का सिस्टम कैसा होता है आपको पता ही होगा, यहाँ पे कंप्लीट थीम का ऑप्शन मिल जाता है, थीम वगैरह चेंज कर सकते हो और पूरा आपको फीचर मिल जाता है। तो इस तरह से नए नए सिस्टम को इंस्टॉल करके आप मज़े ले सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल पोको लॉन्चर, पोको का जो थीम है वो भी मिल जाता है। तो पोको का थीम अप्लाई करने के बाद आपका फ़ोन जो है कंप्लीट पोको फ़ोन की तरह बन जाता है। और ये देखिए इस तरह से कुछ सिस्टम है, तो इस तरह से नए नए सिस्टम को इंस्टॉल करके मज़े ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक, USB ड्राइवर, रिकवरी का लिंक, बैकअप और रिस्टोर करने वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब सब लिंक को आप चेक कर लीजिएगा, और आपका जो मॉडल है वो अगर जो आप कमेंट कर देंगे नीचे तो मुझे और भी अच्छा फील होगा, आपको बताने में कि आपके मॉडल के लिए भी अवेलेबल है। वैसे मैं सब मॉडल का सर्च करके डिस्क्रिप्शन में सभी फ़ोन का लिस्ट में आपको दे दूंगा, जिसके लिए MIUI 10, अगर मान लीजिए MIUI 10 ना अवेलेबल हो तो आपके लिए MIUI 9 तो ज़रूर ही अवेलेबल होगा। और इस तरह से जो है नए मज़े ले सकते हैं नए नए सिस्टम का, स्प्लिट स्क्रीन सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। एक बात मैं पहले आपको बता दूँ, अगर आपके पास लाइफ का फ़ोन है, जो जियो कंपनी का जो लाइफ का फ़ोन है, उसके लिए जो है बहुत कम फ़ोन के लिए MIUI का सिस्टम अपडेट अवेलेबल है, तो इसलिए मैं उसके फ़ोन के बारे में बता नहीं सकता। तो उसके बारे में कमेंट मत कीजिएगा लाइफ के फ़ोन के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत जो अच्छे अच्छे वीडियो हैं उसका लिंक मिल जाएगा, उसे आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके देखिए, शेयर का वहीं पे बटन है, शेयर करके व्हाट्सएप अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ अगर आप इस वीडियो को भेज देंगे तो वो भी यार अपने फ़ोन में नए सिस्टम को इंस्टॉल कर पाएंगे और वो भी एक नए ट्रिक को जान पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में सब लिंक चेक कर लीजिएगा, नीचे आपको कमेंट भी कर देनी है MIUI 10 अपडेटिंग ट्रिक। तो मेरा नाम संदीप है, मिलता हूँ मैं।